शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 96 साल पहले 9 अगस्त 1925 को देश के 3 रणबांकुरों ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी थी। अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का ऐलान किया था। इतिहास में काकोरी कांड आज भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज 96 सालों बाद भी शाहजहांपुर में काकोरी कांड के नायकों को लोग याद करते हैं। 9 अगस्त की इस ऐतिहासिक तारीख पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को याद किया। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसपी एस आनंद ने गाजे बाजे के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के घर से निकाली गई बैंड बाजे के साथ ये शोभा यात्रा उन शहीदों की शहादत को सम्मान था जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। बिस्मिल्ला अशफाक और रोशन की शहादत ने शाहजहांपुर का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। शाहजहांपुर के नुमाइंदे आज अपने शहर का नाम आते ही गर्व महसूस करते हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी शहीद स्मारकों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नायकों को याद किया। इस मौके पर जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे वर्ष पर्यंत ये गतिविधियाँ संचालित होनी है, जिसमें चौरी चौरा महोत्सव से हमने इसका आगाज़ किया था। और आज शाहजहांपुर जनपद के लिए विशेष रूप से बड़ा उल्लेखनीय दिन है, क्योंकि आज के दिन काकोरी कांड हुआ था, जिसके बारे में हमारी पीढ़ियाँ और हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि आज़ादी के 3 दीवाने, जिनमें ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, इसके अलावा उनके दल में और 7 लोग थे, और इस तरीके से इन्होंने आज के दिन अंग्रेज़ों की राज्य को चुनौती देते हुए, उनके साम्राज्य को चुनौती देते हुए, उनके शासन को चुनौती देते हुए काकोरी में एक प्रतीकात्मक ट्रेन डकैती की थी। और ट्रेन डकैती के कारण फिर अंग्रेज़ों को ये लगा कि साहब उनके कानून को चैलेंज किया जा रहा है, और इस तरीके से आज़ादी का ये जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी का समय है कि हम ऐसे समय में शाहजहांपुर में हैं जब यहाँ से ही उन तीनों वीर सेनानियों का के द्वारा इस घटना को आगाज़ दिया गया था। आज पूरे जनपद शाहजहांपुर में, नगरीय क्षेत्र में और शहरी देहात क्षेत्र में, इन्हीं अमर सेनानियों की स्मृति में, इनसे जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहाँ इनकी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, जहाँ कभी ये बैठ कर इस प्रकार की योजना बनाते थे या जहाँ इनका जन्म हुआ था, उन समस्त स्थलों पर जाकर हम अपने शहर के निवासियों के साथ, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और नगर के सामान्य गण, जनप्रतिनिधिगण, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम आज़ादी के इन दीवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पूरे महीने आजादी के नायकों को सम्मान दिया जाएगा। काकोरी कांड एक ऐसी घटना थी जिसने देश की जंगे आजादी में बड़ी भूमिका अदा की, और उसके जो 3 नायक थे उन्हें आज हम सम्मान दे रहे हैं। ये हमारे लिए फक्र का मौका है कि हमें उन शहीदों को सम्मान देने का अवसर मिला है। अस्तित्व न्यूज के लिए शाहजहांपुर से मोहम्मद शान की रिपोर्ट।